जब भी कोई आदमी इस बिजनेस में आता है, आप मिला करके देखिएगा उसके साथ, ये दो काम होता है, पेन प्लेजर होता है उसके साथ, आप मिला करके देखिएगा इसको। पेन का मतलब होता है दर्द, प्लेजर का मतलब होता है मजा। या तो वो इस बिजनेस को करेगा तो उसको दर्द होगा, दुख होगा, या तो उसको मजा आएगा। दो काम आता है, होता है, ये पेन एंड प्लेजर थ्योरी है। अब जरा इसको गहराई से आप समझिए, ध्यान से। आप जैसे लोगों को जाते हैं बताने के लिए, तो क्या होता है आपके साथ, दर्द होता है। क्या दर्द होता है, आप सामने वाले लोगों को जब जाते हैं बताने तो नहीं सुनता है, नहीं सुनता है तो आपको क्या होता है, दुख होगा, तकलीफ होगा, दर्द होगा, अच्छा नहीं लगेगा, बुरा लगेगा, ये सब चीज आपके संग होगा, आपका मन भी गड़बड़ा जाएगा, आप भी टेंशन में आ जाइएगा। ये सब चीज क्यों होता है, क्योंकि यही है पेन, इसी को बोलते हैं पेन, ये दर्द है। इसके बाद आता है प्लीजर, प्लीजर का मतलब होता है मजा, प्लीजर का मतलब होता है मजा। लेकिन हम आपको बता दें यहाँ पर आपको क्या करना चाहिए, पेन है, लेकिन पेन जो होता है वो परमानेंट नहीं होता है, वो टेम्पररी होता है, वो कुछ समय के लिए पेन है। प्लीजर हो सकता है कि परमानेंट होके, लेकिन शुरुआत में प्लीजर टेम्पररी होता है, शुरुआत में प्लेजर परमानेंट नहीं होता है। अगर आपको शुरुआत में मजा आ रहा है तो भी ये टेम्पोरी है, शुरुआत में अगर आपको दर्द हो रहा है ये भी टेम्पोरी है। आप जब भी इस बिजनेस को करना शुरुआत करते हैं, आपको बहुत सारी दुख होता है, दर्द होता है, आपको तकलीफें आती है, लेकिन यहाँ पर आपको क्या करना है, अपने दर्द को, जो दुख को, जो आपको हो रहा है दर्द, उसको थोड़ा छोटा करना है, उसको क्या करना है, छोटा करना है, और जो आपको मजा मिलने वाला है उस मजा को बड़ा करना है। आपके पास दो चीज पता होना चाहिए, इस बिजनेस को करने से हमको दर्द क्या होने वाला है, और इस दर्द को सह लेने से आपको मिलने वाला क्या चाहिए, मजा क्या मिलने वाला है। जैसे सपोज हम आपको एक एग्जांपल बताते हैं, आप किसी लोगों को गए बताने, बताने जाते हैं तो वो आदमी आपको ठुकरा दिया, वो आदमी आपको मना कर दिया, वो आदमी आपसे प्रोडक्ट नहीं खरीदा, ठीक है, आपको क्या हुआ, दुख हुआ, दर्द हुआ। लेकिन आप जरा सोच के देखिए, ये बताने से रियली में आपको दर्द हुआ, रियली में आपको नुकसान हो गया या फायदा हुआ, या आपको मजा आया, आप ढूंढिए इससे क्या मजा हो सकता है। हम आपको बताते हैं, आपको इस समय क्या सोचना चाहिए कि आज हम इस आदमी को बताएं, नहीं सुना, ठीक है, हो सकता है हम खराब बताए होंगे, बढ़िया नहीं बताए होंगे, नहीं सुना, कल हम क्या करेंगे, इससे बेहतर बताने का प्रयास करेंगे, और जब इससे बेहतर हम बताएंगे तो मेरा थोड़ा सा प्रैक्टिस बनेगा, हो सकता है वो भी आदमी ना सुने, फिर हमको दर्द होगा, उसके बाद हम तीसरा आदमी को जाएंगे बताने, वीडियो दिखाने जाएंगे, हो सकता है कि वो भी आदमी ना हमसे समझे, दर्द होगा, हम क्या करेंगे, अपने ऊपर काम करेंगे, अपने ऊपर काम करके थोड़ा सा और बढ़िया बताने का प्रयास करेंगे। जब थोड़ा सा और बढ़िया बताएंगे तो एक समय के बाद आपको क्या होने वाला है, इस दर्द के बाद आगे छिपा हुआ है मजा। अब आपको मजा किससे आएगा, हम आपको बताते हैं। धीरे धीरे क्या होगा, रगड़ाते 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 जाते जाते एक समय के बाद आप मास्टर बन जाइएगा, आप एक्सपर्ट बन जाइएगा। कहा जाता है कि आपकी फोकस जिस जगह पे है उस जगह का आप एक्सपर्ट बन जाते हैं, जिस काम में अपना फोकस को डालिए, जिधर भी आप अपना अपना फोकस को डालिए वो बड़ा होने लगता है, वो बड़ा होगा, वही काम बड़ा होगा। अगर आपका फोकस बिजनेस के ऊपर है बड़ा होगा, अगर आपका फोकस बताने के ऊपर है आप बहुत अच्छा बताने सीख जाइएगा। एक समय के बाद क्या होगा आपके साथ, आप बहुत जबरदस्त तरीका से लोगों को बताने सीख जाएंगे, आपको अच्छा जानकारी हो जाएगा, और अच्छे तरीका से आपके पास कॉन्फिडेंस लेवल बढ़ जाएगा, और जब कॉन्फिडेंस लेवल बढ़ेगा बताने आ जाएगा, तो हम आपको बता दें, अब आप जब लोगों को जाइएगा बताने, जब आप जाइएगा लोगों को बताने, तो क्या होगा, लोग सुनना शुरू कर देगा। केवल इतना ही नहीं होगा, और क्या होगा, और ये हो सकता है कि अगर आपको बहुत ज्यादा बताने लगे तो लोग आपका डिमांड करें, सर आप आइए मेरे यहाँ, 10 आदमी, 20 आदमी, 50 आदमी, 100 आदमी के सामने आप स्टेज पे चढ़ करके बोल सकते हैं उस समय। क्यों, क्योंकि आप शुरुआत में रगड़ाए हैं ना, बोलने का प्रैक्टिस किया है ना, खूब बोले हैं ना, तो आप बताइए हमको जरा, आप ध्यान से खुद, शुरुआत में दर्द हुआ कि नहीं हुआ, शुरुआत में दर्द हुआ कि नहीं हुआ। अब इस दर्द के सामने केवल एक चीज सोचिए आप, इस दर्द के आगे हमको क्या मिलने वाला है, ये पता होना चाहिए आपको, इस दर्द के आगे हमको मिलने के वाला क्या चाहिए, मजा। कैसे मिलेगा मजा, आज हम लोगों को बता रहे हैं, कोई नहीं समझ रहा है, नहीं सुन रहा है, इसका मतलब कि हम अभी उतना पक्के हुए नहीं है, अभी हमको और सीखना चाहिए, अभी हमको और ट्रेंड होना चाहिए। अगर और हम सीख लेंगे, और हम ट्रेंड हो लेंगे, और अच्छा हमको बताने आ जाएगा, तब हम बढ़िया से बता लेंगे, और जब बढ़िया से बताने लगेंगे तो लोग हमसे सुनने लगेगा, और जब हमसे लोग सुनने लगेगा तो मेरा बिजनेस बढ़ने लगेगा, और जब मेरा बिजनेस बढ़ने लगेगा तो हो सकता है कि हम एक स्पीकर के रूप में,
हम एक ट्रेनर के रूप में, हम एक लीडर के रूप में दूसरे किसी के टीम में जा करके आराम से मीटिंग मार सकते हैं, और हम आपको बता दें जो आदमी ये करना सीख गया उसको कितना इज्जत मान प्रतिष्ठा होता है। आपको 100 200 आदमी का भीड़ आपके लिए लगेगा, टिकट कटा कटा करके लोग आपको आएगा बातों को सुनने, और आपका वो स्टेज होगा, आपके पास माइक होगा, आप बोलेंगे। ये है मजा, इसको बोलते हैं प्लीजर। शुरुआत में क्या हुआ आपको? पेन, दर्द हुआ। बाद में आपको क्या मिला? मजा। लेकिन यहां पर जो आदमी पेन को बड़ा कर देगा, देखिए ये कंडीशन में ये फेल भी कर सकता है। अगर आप पेन को बड़ा कर दिए शुरुआत में अगर आप पेन को बड़ा कर दिए, आप प्लेजर तक कभी नहीं पहुंच पाइएगा। जैसे आप मान लीजिए, अगर आप लोगों को बताने गए, कोई नहीं सुना, आपने क्या किया? आपने अपने मन में इतना भर दिया, साला कोई नहीं सुनता है, कोई नहीं समझता है, कोई नहीं खरीदता है, कोई नहीं करता है, कोई हमारे बतवे की नहीं सुनता है। इतना दर्द को आप बढ़ा दिए ना, अब आपका दिमाग कहेगा कि बस हो गया, तब छोड़ो, तब जाना कहला, कोई सुनवाई नहीं करता, तो घर में सुतो। आप सोचिए, आप घर में सुतिएगा आप, क्यों? क्योंकि आप सामने वाले को देख करके कर रहे हैं, उसके भरोसे आप बिजनेस कर रहे हैं, इसलिए आप छोड़ दिए। अब आपको मजा आने वाला है? कभी नहीं आने वाला है। लेकिन उस समय क्या होगा अगर आप मजा को बड़ा कर दिए? पता है क्या होगा आपके साथ? अगर आप मजा को बड़ा कर दिए तो पेन छोटा हो जाएगा। आपको इस समय क्या याद आना चाहिए? अरे यार नहीं सुना, का दिक्कत है? खराब बोले होंगे हम, नहीं सुना, हो सकता है कल बढ़िया से बताएंगे, प्रोसेस आएंगे इसको बताने, नियम सीख लेंगे, तरीका सीख लेंगे, तब इसको बताने आएंगे। कल बताएंगे तो और मजा आने वाला है। धीरे 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 धीरे, हो सकता है थोड़ा मोड़ा मिस्टेक हुआ होगा, उसको सुधारेंगे, सुधार लेंगे तो एक समय के बाद हम एक्सपर्ट बन जाएंगे। एक्सपर्ट बन जाएंगे तो हमको क्या मजा मिलने वाला है? जब आपको मजा पता चल जाए ना, तो पेन ऑटोमेटिक समाप्त हो जाता है, दर्द समाप्त हो जाता है। इसके बाद आदमी कितनों आपको ठोकर मारे, कोई दिक्कत नहीं होने वाला आपको, आप आराम से सह लीजिएगा। आपको टेंशन है तू बोल, जितना बोलना है रगड़, जितना मन करे उतना तू रगड़। एक चोखा हीरा को आप कभी देखिएगा, जो डायमंड होता है, डायमंड उसको जितना रगड़िएगा ना, जितना रगड़िएगा उतने उसमें से निखार आता है। क्यों? क्योंकि उसको, उसका जो निखार है वो रगड़ाई में है। उसी तरीका से डी एक्शन में आपका निखार रगड़ाई में है। कितना आदमी आपको रगड़ रहा है, लोग जितने रगड़े खूब रगड़ाइए, रगड़ रहा है तो समझिए कि सब हमको रगड़ रगड़ के, रगड़ रगड़ के, रगड़ रगड़ के डायमंड बनाना चाह रहा है, हमको हीरा बनाना चाह रहा है। और हम आपको बता दें, एक बार अगर आप डायमंड बन गए तो डायमंड को जाकर के रेल के पटरी पर रखिए आप, और चढ़ाइए उसको ट्रेन के, ट्रेन बिछुल सकता है, ट्रेन उस पर चढ़ जाए कुछ नहीं होने वाला है, डायमंड उछल के समाप्त हो भाग सकता है। कभी भी डायमंड को खरोच नहीं आने वाला है, हीरा को खरोच नहीं आने वाला है। आप जहाँ पे रोशनी कम है वहां पे जाकर के डायमंड को रख दीजिए। इसके बाद देखिए, थोड़ा सा केवल सूर्य का किरण का प्रकाश उस पर पड़ेगा ना, पूरा उस जगह का जग जगमगा जाएगा। क्यों? ये डायमंड का पावर है। समझ में आया? तो डायमंड बना किसे? रगड़ा करके। आपको भी इस बिजनेस में आगे किसे बढ़िएगा? रगड़ा करके। डायमंड किसे बनिएगा? रगड़ा करके। आप फील्ड में जा रहे हैं, लोगों को बताने, वो लोग क्या कर रहे हैं? आपको रगड़ रहा है, तो ये ना समझे कि सब हमको रगड़ रहा है, ये समझे कि ये सब हमको डायमंड बनाने का रास्ता को क्लियर कर रहा है, डायमंड बनाने का रास्ता को क्लियर कर रहा है, डायमंड बना रहा है हमको ये सब, रगड़ रगड़ के, रगड़ रगड़ के, रगड़ रगड़ के डायमंड बनाना चाह रहा है। तो आप सभी लोगों से मेरा एक एक सजेशन है कि कभी भी पेन को ऊपर मत उठने दीजिए, दर्द को ऊपर मत उठने दीजिए। तो किसको उठने दे सर? प्लेजर को, मजा को, मजा को ऊपर करके हमेशा। कोई भी समस्या आ जाए, कोई भी दिक्कत आ जाए, ये जो आपका दिल है ना, माइंड, दिल और दिमाग दो चीज आपके पास है, ये दिल दिमाग को आपको बुद्धू बनाना सीख जाइए, बुद्धू, ऐसे समझ में, इसको मूर्ख बनाइए। आप होता क्या चीज है, दिल दिमाग आपको मूर्ख बना देता है। आप सोचिए, कोई कभी कभार देखिएगा, होता क्या चाहिए, कोई छोटा मोटा समस्या है, बहुत बड़ा समस्या नहीं है, तब पर भी आपका दिल दिमाग क्या बोलेगा? ओ भैया ये हो गया, ऐसे हो गया, बड़ा समस्या घट गया, तो आपका दिल दिमाग आपको मूर्ख बना दिया। लेकिन कितना भी बड़ा से बड़ा घटना घट जाए, कितना भी बड़ा से बड़ा घटना घट जाए, आपको क्या बोलना है? ऑल इज वेल, ऑल इज वेल, सब कुछ ठीक ठाक है, मस्त है, जबरदस्त है, कोई दिक्कत नहीं हुआ है, ऑल इज वेल, ऑल इज वेल, ऑल इज वेल। अगर आपको इसको सीखना है तो जाकर के आप थ्री इडियट पिक्चर देखिए। थ्री इडियट पिक्चर एक है, आप उसको देखेंगे तो आपको समझ में आ जाएगा। ऑल इज वेल, कितना भी बड़ा समस्या आ जाए, आप दिल और दिमाग को ये सजेशन दीजिए कि कोई बहुत भारी समस्या नहीं है, बस नॉर्मल ठीक हो जाएगा, इसी ऑल इज वेल, सब ठीक ठाक है, कोई दिक्कत नहीं है। इससे क्या होगा, समस्या दूर नहीं होगा लेकिन आधा समस्या ऐसी सोल्यूशन हो जाएगा, हल हो जाएगा। करके देखिए, मजा ना आ जाए तो फिर हमको बताइएगा। लेकिन कुछ लोग होते हैं जो अपने पेन को ऊपर उठाने में पड़े हुए हैं, दर्द को बार बार सुनाएंगे, सर कोई नहीं सुनता है, ये नहीं होता है, वो नहीं होता है, वो बार बार सुनाएंगे, सुनाते जाएंगे, सुनाते जाएंगे, सुनाते जाएंगे,
गड़बड़ हो जाएगा उन लोग के साथ। आप देखिए, वो लोग का एक समय के बाद कोई नहीं सुनेगा, खत्म हो जाएगा। लेकिन जो जी आदमी सुनाते जाएगा, सुने चाहे ना सुने, उसे कोई फर्क नहीं पड़ता है, और सुनाते जी जाएगा, क्योंकि उसको मजा पता है कि आने वाले समय में मजा क्या होने वाला है, क्या मिलने वाला है, ये उसको पता है। हम आपको एक एग्जाम्पल के साथ, लाइव एग्जाम्पल हम आपको दिखाना चाहते हैं। अभी क्या हुआ है, हाल फिलहाल में हमको पता चला कि हम लोग के अपलाइन में से ही आते हैं, गुरु में से ही आते हैं, मिस्टर अरविंद सर, डेहरी ऑन सोन से। आप लोग को पता होगा, आपको पता है उनके साथ क्या हुआ है। उनको जैसे ही मलेशिया जाना था, अचानक उनका पैर फ्रैक्चर हो गया। आपको पता होना चाहिए, ये बहुत सारे लोगों को पता है, बहुत सारे लोगों को पता भी नहीं है, लेकिन हम आपको बता देना चाहते हैं। जैसे उनको मलेशिया जाना था, मलेशिया इंडिया में नहीं है, मलेशिया विदेश में, हेलीकॉप्टर से जाना है, टेम्पू बस से नहीं जाना है। तो जैसे ही मलेशिया उनको जाना था, उसके 10 दिन पहले क्या हुआ, 15 दिन पहले उनका पैर फ्रैक्चर हो गया। अब फ्रैक्चर हो गया तब पर भी अरविंद सर क्या सोचे, मैं मलेशिया जाऊंगा, मैं मलेशिया बिल्कुल जाऊंगा, जाना ही है मलेशिया। और अक्सर हम आपको बता दें, एक्चुअली में अरविंद सर मलेशिया गए, ऐसा नहीं कि उनको पैर फ्रैक्चर हो गया तो घर में सूत गए, नहीं, वो मलेशिया गए। अब जरा आप हमको एक बात बताइए, वो मलेशिया गए, अपना टूटा हुआ पैर लेके गए मलेशिया। आपको पता है, अपना टूटा हुआ पैर लेके गए मलेशिया। आपको यकीन होगा कि उनको 1% भी दर्द हो रहा होगा? बताइए हमको, उनको दर्द हो रहा हो कि नहीं हो रहा होगा? जरा माइक खोलिए एक आध आदमी के, ठीक है, उनको दर्द हो रहा हो कि नहीं हो रहा होगा? हाँ प्रमोद जी, हमको होस्ट बना दीजिए आप। अरविंद सर को मलेशिया जाने से ठीक 10-15 दिन पहले उनका पैर फ्रैक्चर हो गया। अब फ्रैक्चर जैसे हुआ, वो टूटा हुआ पैर को मलेशिया में लेके गए, उनके पैर में दर्द हो रहा होगा कि नहीं हो रहा होगा, जरा हमको बताइए प्रमोद जी। हाँ, हम होस्ट बन गए, बताइए। एक एक आदमी से हम जानना चाहते हैं। सबसे पहले यहाँ पे अभिजीत कुमार है, आप ही शुरुआत करते हैं सर, आप बताइए उनको पैर में दर्द हो रहा होगा कि नहीं। हाँ, वो टूटा हुआ पैर हो रहा होगा? यस, बहुत बढ़िया, जबरदस्त। नेक्स्ट, सुशीला दीदी आप बताइए, अरविंद सर टूटा हुआ पैर को मलेशिया गए, टूटे हुए पैर से मलेशिया गए, उनको दर्द हो रहा होगा कि नहीं, बताइए। सुशीला देवी डंडई, जल्दी है? खुशी में आपका आपका आंसर डाउट में है। शीला दीदी जरा आप कंफर्म करिए, कहा उनको दर्द हो रहा होगा कि नहीं? हो रहा होगा, बहुत बढ़िया। नेक्स्ट, और कौन बताएगा? नागवंती दीदी बताएंगे, आप बताइए, टूटा हुआ पैर लेके वो मलेशिया चल गए, उनको मलेशिया में दर्द हो रहा होगा कि नहीं, बताइए। हाँ, गुड मॉर्निंग। हाँ, दर्द हो रहा होगा, बहुत बढ़िया दीदी, जबरदस्त। बहुत बढ़िया। नेक्स्ट, विष्णु भैया आप भी अपना सजेशन दीजिए, राय सलाह दीजिए। उनको क्या हो रहा होगा, दर्द हो रहा होगा कि नहीं, बताइए। विष्णु भैया कहाँ है? जा, विष्णु भैया अब भाग गए कहाँ? विष्णु भैया चलिए, नहीं माइक खोल रहे हैं, कोई दिक्कत नहीं है। प्रतिमा दीदी आप बताइए, उनको दर्द हो रहा होगा? बताइए दीदी, हो रहा होगा, बहुत बढ़िया, जबरदस्त। अच्छा, तो खाली सोशीले दीदी एगो के अलगे जवाब है। सोशीले देवी पिछड़ गई ना। हाँ विष्णु भैया आप बताइए, उनको दर्द हो रहा होगा? हो रहा हो, बहुत बढ़िया, बहुत जबरदस्त। और नेक्स्ट, और कौन बताएगा? प्रमोद जी, प्रमोद जी से नहीं पूछेंगे, इनको पता है, इनको पता है, ठीक है। और कौन बताएगा? सविता दीदी, विमला दीदी बताइए।
उनको दर्द हो रहा होगा। हाँ बताइए दीदी। बहुत बढ़िया, जबरदस्त। और क्या बताएगा, और कौन बताएगा? रीता दीदी बताएंगे। कोई आदमी दीदी अगर मान लीजिए पैर टूटा हुआ मलेशिया चले जाए लेके, उनको दर्द हुआ कि नहीं? रीता दीदी को तो माइकवे नहीं खोलने आ रहा होगा शायद। देखिए देखिए देखिए, वो हंस रहे हैं, मुस्कुरा रहे हैं। माइक खोलिए, माइक खोलिए। संगीता देवी कहाँ गए? संगीता देवी भागे कहा? अच्छा भागे नहीं है। बताइए, उनको दर्द हो रहा होगा? ठीक, बहुत बढ़िया। इनका भी कहना है कि बहुत दर्द होगा। और क्या बताएगा? और कौन तो हाथ खड़ा किया? किसान दीदी, हाँ आप छूट गए सर। बताइए, एक्चुअली आप अंधेरा में है ना? बहुत बढ़िया, जबरदस्त। और बड़ा मतलब गजब का सवाल पूछते हैं दीपक भाई। आप बताइए, जेकर पैर फ्रैक्चर हो गया है, वो मलेशिया जाएगा, पर दर्द नहीं होगा? बिल्कुल दर्द होगा। अल्लाह, हम हाथ खड़ा कर रहे हैं, क्या बात है। चलिए हाथ नीचे कर देते हैं। अब देखिए, बहुत से लोगों का जवाब आया, इसमें से कुछ लोगों का पता चला कि दर्द हो रहा होगा, कुछ लोगों का जवाब आया कि दर्द नहीं भी हो रहा होगा, और कुछ लोगों का जवाब आया कि दर्द के संगे संगे उठने बैठने लेटरिंग करने में भी बहुत ज़्यादा दिक्कत हो रहा होगा। सही बात है, लेकिन जरा असली जो असलियत है ना, सच्चाई, माइकवा किसी का खुला है का? माइक किसी का खुला नहीं ना है ना? बंद है, बंद है। असली जो सच्चाई है ना, यहाँ पे देखिए, सबसे अगर करेक्ट कोई जवाब दिया है तो सुशीला देवी डंडई से दी। एक जोरदार ताली होना चाहिए सुशीला दीदी के लिए। ठीक है, करेक्ट जवाब इन्हीं का है, उनको 1% भी दर्द नहीं हो रहा था। आए समझ में? उनसे जब बात हुआ, उनसे जब मुलाकात हुआ, जब पर्सनली में, आपको नहीं विश्वास होना तो कभी आप अकेला में बैठिएगा हरबिंद सर के साथ, अकेला में जब बैठिएगा ना, तो आप पूछिए कहाँ सर, आप मलेशिया गए थे तो आपको दर्द उर्द हो रहा था पैर? वाह, वो आपको बताएंगे नहीं हो रहा था, 1% भी नहीं हो रहा था। क्यों? अभी सुशीला दीदी क्या बताए, खुशी के मारे दर्द समाप्त हो जाता है। आए समझ में? आपको नहीं विश्वास हो के, फोटो जा रहा था ग्रुप में, आप देखे होंगे अरविंद सर पूरा लाठी पर उछल उछल के मजा ले रहे थे मलेशिया में। अब जिसको दर्द होगा पैर में, आप सोच के देखिए, उछल उछल के लाठी पर वो मजा लेगा? बिल्कुल नहीं लेगा। वो आराम से जाकर के होटल में आराम करेगा, सूतेगा। लेकिन कहने का मतलब मेरा क्या चाहिए, आप जरा राइट आंसर को पकड़िए। यही है पेन एंड प्लेजर, जो हम आपको समझाना चाह रहे थे कब से, आप नहीं समझ रहे थे, लेकिन हम आपको समझाना चाह रहे हैं। इसी को बोलते हैं पेन एंड प्लेजर। जब भी आपके सामने आपका अगर दर्द, देखिए अरविंद सर क्या किए, अरविंद सर क्यों मलेशिया घूम करके आ गए, क्योंकि वो दर्द के सामने मजा को बड़ा बना दिए। वो घर पर बैठ करके सबसे पहले क्या सोचे, अगर हम मलेशिया चले जाएंगे तो वहां पे हमको ट्विन टावर देखने को मिलेगा, वहां पे हमको साइबर बिल्ले देखने का मिलेगा, डीएक्शन का जो बना हुआ है बहुत बड़ा हेलीपैड के साथ, वो देखने को मिलेगा। माने इतना मजा को बड़ा बना दिए ना, प्लेजर को इतना बड़ा बना दिए ना, कि उसके सामने जो दर्द है, जो पेन है, वो छोटा पड़ गया, छोटा पड़ गया। आराम से गए मलेशिया घूम करके, मस्ती करके, पूरा 2 गो लाठी पर, बैसाखिए पर पूरा एकदम मस्ती किए, उछल उछल के मस्ती किए, सीढ़ी चढ़ जा रहे थे। आप सोचिए, फोटो गई लोग आप लोग के मोबाइल में, आप सोचिए ना, जेकर पैर में दर्द होगा सीढ़ी चढ़ेगा? रोशन सर तो बता रहे थे कि जहां हम नहीं चढ़ रहे थे, और अभी शंकर सर आए थे मिराल में तो क्या बता रहे थे, जहां हम नहीं चढ़ पा रहे थे वहां अरविंद सर चढ़ जा रहे थे। हम सोचे वाह क्या बात है, कैसे हो सकता है ये? इसी को बोलते हैं पेन एंड प्लेजर। वो क्या किए, अपने पेन को छोटा किए, दर्द को छोटा किए, प्लेजर को बड़ा किए, प्लेजर को बड़ा किया, अपने अपने अपना जो उनको मजा मिलने वाला है वो पहले ठान लिए, सोच लिए, देख लिए क्या हमको मिलने वाला है वहां पे, क्या मिलने वाला है, ये मजा हमको मिलने वाला है। आप सोचिए, और मजा इतना आया उनको कि दर्द भुला गया। अभी सुशीला दीदी ही ने बताया कि खुशी के सामने दर्द का ठिकाना नहीं होता है, दर्द समाप्त हो जाता है। तो सही बात है, यही पेन एंड प्लेजर का थ्योरी है। और अरविंद सर जो मलेशिया घूम करके आए, यही थ्योरी के अनुसार घूम करके आ गए, कोई दिक्कत नहीं हुआ। कल मीटिंग में भी अटेंड किए, कोई दिक्कत नहीं, क्योंकि सपना बड़ा है।
आए समझ में, मजा कैसे आपको मिलेगा? सपना बड़ा है, सपना बड़ा है, सपना बड़ा है, इसीलिए कहा जाता है बड़ा सपना बनाओ, बिग ड्रीम बनाओ, जितना बड़ा से हो सके बड़ा सपना बनाओ। कल के ट्रेनिंग में पूरा का पूरा बात इसी के ऊपर हुआ है, एक पेन एंड प्लेजर और दूसरा माइंडसेट के ऊपर बात हुआ है। अगर बात करने लगे ना तो दिन भर एक में समाप्त हो जाएगा, इतना एक है कहानी, ठीक है? लेकिन हम आपको साफ शॉर्ट में ये समझाना चाहते हैं कि आपके साथ भी ये घटना घट रहा है कि नहीं घट रहा है, सोच के देखिए। घट रहा है, आप फील्ड में जाते हैं लोगों को बताने के लिए, आपके साथ भी रिजेक्शन मिलता है। आप क्या होते हैं, कुछ लोग हताश होकर के बैठ जाते हैं। कौन हताश होकर बैठता है? जिसके पास कोई बड़ा सपना नहीं है। कौन रोज फील्ड में नहीं जाता है? जिसके पास कोई बड़ा सपना नहीं है। और जिसके पास बड़ा सपना है, बिग ड्रीम है, आप देखिए उसको जाकर के कितना भी मुसीबत क्यों ना आ जाए, कितना भी दुख तकलीफ क्यों ना आ जाए, कितना भी रिजेक्शन क्यों ना आ जाए, वो रुकिए नहीं सकता है। क्यों नहीं रुकेगा? उसको पता है कि मजा को हमको बड़ा बनाना है, दर्द को हमको बड़ा नहीं बनाना। ये जो दर्द है ये टेम्पररी है, अगर 2 साल रगड़ के मेहनत कर दिए तो ये दर्द खत्म हो जाएगा, आगे फिर मजा है, मजा आगे फिर मजे मजा है। फिर आज रोशन सर केवल मजा ले रहे हैं, प्रेजेंट सर जो आए थे केवल मजा है, आप सोचिए वरुण सर केवल मजा है, जितना भी ऊपरे डायमंड, अब बसंती देवी गई मलेशिया, सोचिए का की वहां पे मजा ली दबा के, शिव शंकर सर गए मलेशिया मजा लिए दबा के, जितना रगड़ाना था 2 साल रगड़ा लिए, 2 साल खूब मेहनत किए, तो 2 साल में दर्द समाप्त हो गया। पेन टेम्पररी नहीं होता है, पेन परमानेंट नहीं होता है, हम आपको शुरुआत में ही समझाए थे, पेन समाप्त हो जाता है एक समय के बाद। तो आप लोगों को भी यही चीज हम आपको समझाना चाह रहे हैं, ये स्टेप, ये थ्योरी हमको पता चला तब हमको समझ में आया कि नहीं ये सारे लोगों को बताना चाहिए। क्यों ये आपको बताना चाहिए? क्योंकि आप छोटा सपना बना के काम कर रहे हैं, और छोटा सपना बना के काम करेंगे, 10-20 हज़ार रुपए कमाने के लिए काम करेंगे, तो हम आपको बता दें इस बिजनेस में आप फेंका जाएंगे। अगर इस बिजनेस में आप कदम रखे हैं तो कम से कम 1 लाख, मरे हाल में 1 लाख से नीचे का तो आपको बोनस नहीं दिखना चाहिए, एकदम नहीं, कम से कम 1 लाख, 3 लाख, 5 लाख का सपना बना करके आइए, बड़ा ड्रीम बनाइए। आप ये सोचिए कि आज अगर हम मेहनत कर दिए, काम कर दिए, आप सोचिए आने वाले 5 साल के बाद, 3 साल के बाद कौन जिंदगी होने वाला है। माय डियर फ्रेंड, हम आपको एक चीज पक्का विश्वास के साथ बताना चाहते हैं, दुनिया बहुत खूबसूरत है, बहुत खूबसूरत है, क्योंकि जब से हम होटल घूम के आए ना, मैंने हम सोचे कि गढ़वा में इतना जबरदस्त होटल हो सकता है, तो भैया ये तो गढ़वा हमारा से 10 किलोमीटर की दूरी पर है, आप सोचिए जब बाहरी क्षेत्र में कैसा कैसा होटल हो सकता है। लेकिन इतना नजदीक होते हुए भी हम इतना जबरदस्त होटल नहीं देख पाए, आप सोचिए, लेकिन हमको दोबारा देखने को मिला। क्यों? हम गए वहां पर देखने, तब हमको पता चला कि भैया दुनिया खूबसूरत उसी आदमी के लिए है जिसके पास नोट है, जिसके पास नोट नहीं है उसके लिए दुनिया पूरा ब्लैक ब्लैक है, कुछ नहीं है। इसलिए सपना बड़ा बनाइए और पैसा कमाइए, डीएक्शन आपको मिल चुका है रास्ता, जहां से आप अपना सारा सपना को पूरा कर सकते हैं। तो आप सभी लोगों से मेरा एक रिक्वेस्ट है, अगर आप बिना ड्रीम बनाए, बिना सपना बनाए अगर दौड़ रहे हैं फील्ड में, तो प्लीज मत दौड़िए, आप नहीं दौड़ना चाहिए आपको। पहले एक मजबूत सपना बनाइए, पहले आपके जीवन का उद्देश्य होना चाहिए, आप किस लिए डीएक्शन में लगे हुए हैं, सपना बनाइए, क्या क्या आपको चाहिए यहाँ से, क्या क्या खरीदना है, कब क्या आपको पाना है, ये सपना आपको बनाना चाहिए। और बिना सपना के दौड़ रहे हैं तो साफ समझिए कि बिना लिफाफा, बिना नाम पता के लिफाफा है आप। अब जिस लिफाफा में नाम पता एड्रेस नहीं है, वो लिफाफा कहाँ जाता है, तनी हमको से समझा दीजिए, कहाँ जाएगा? वो कहीं नहीं जाएगा, वो घूमित रहेगा, ये पोस्ट से वो पोस्ट, वो पोस्ट से वो पोस्ट ऑफिस, वो पोस्ट ऑफिस से वो पोस्ट ऑफिस, वो घूमित रहेगा, वो कहीं नहीं जाने वाला है। क्यों? क्योंकि उसमें एड्रेस नहीं डाला है। ठीक उसी तरह से आप इस बिजनेस में कहाँ जाना है, क्या करना है, कुछ पता होना चाहिए। ऐसे लगे हुए हैं, ऐसे लगे हुए तो आप भी पिछले कई साल से सड़िए, फिर कुछ लोग सड़ रहे हैं, कौन लोग सड़ते हैं, जिनको कोई लक्ष्य नहीं है, कोई सपना नहीं है, कोई ड्रीम नहीं है, कोई टारगेट नहीं है, वही लोग सड़ता है। तो आप लोगों से मेरा एक बहुत जबरदस्त जोरदार रिक्वेस्ट है कि अगर आप सपना नहीं बनाया है, ड्रीम नहीं बनाया है, मत दौड़िए आप। आप एक अच्छा लक्ष्य नहीं बनाया है, नहीं दौड़ना चाहिए आपको। और वैसा ही आदमी का ग्रोथ नहीं होता है, आप देख लीजिए मिला करके, वैसा ही आदमी का कभी ग्रोथ नहीं होता है, आगे समझ में। तो आप सारे लोगों से मेरा एक रिक्वेस्ट है कि जो सपना है आपका, कार खरीदना है, गाड़ी खरीदना है, बंगला खरीदना है, 1 लाख के बोनस जाना है, विदेश जाना है, 5 लाख खरीदना है, जो सपना है बस उसको लिखिए, लिखना शुरू करिए, लिखिए। कहा जाता है कि जो लिख नहीं सकता उसको मिलेगा कैसे, जो मंगवे नहीं करेगा उसको मिलेगा कैसे। आपको आपको मान लीजिए प्यास लग रही है, किसी से पानी मत मांगिए, आपको मिलेगा नहीं, मिलने वाला है, आप सोचिए।
तो मांगना पड़ेगा। उसी तरह से अगर आपको कुछ भी चाहिए तो लिखना पड़ेगा। ये बहुत बड़ा थ्योरी है। अगर रोज थोड़ा थोड़ा भी हम बात करेंगे, रोज एक दिन नहीं बात करेंगे, आज हम आपसे केवल इतना रिक्वेस्ट करते हैं कि अगर आप सपना नहीं लिखे हैं अपना, तो सपना आज के आज जा करके आप अपना बनाइए। सपना पहले लिखिए, जो आपका सपना है लिख डालिए, लिख करके दीवार पे चिपकाइए, कॉपी में लिखिए। जो नहीं लिखेगा उसको मजाक लगता होगा, लिखने से कुछ नहीं होता है, तो आप रहिए मजाक में, हम आपको पक्का बता रहे हैं, आप कहीं पहुंच भी नहीं पाइएगा। लेकिन जो लिख दिया वो आदमी पक्का बढ़ेगा, बढ़ना ही है, क्योंकि उसने पेन को छोटा कर दिया और प्लेजर को बड़ा कर दिया। इसीलिए कहा जाता है बड़ा सपना बनाओ, बिग ड्रीम बनाओ। कोई छोटा मोटा आदमी नहीं बोलता है, बड़े बड़े सफल लोग बोलता है, वो लोग से हम सीखे हैं, तब हम आपको बता रहे हैं बड़ा सपना। नहीं, अगर बड़ा सपना बनाना रहता, हम अपना बड़ा सपना बना के नहीं छोड़ते, हम नहीं बनाते। हमारे घर पे आइए, आप देखिए पूरा मेरा क्लियर कट लिखा हुआ है, डेट के साथ लिखा हुआ है मेरा, कब हमको कहाँ जाना है, ये सब चीज लिखा हुआ है। आप भी लिखिए ना, आप भी अपना सपना बनाइए ना। कितना खर्चा होता है? 5 रुपया के चार्ट पेपर बस, और 3 रुपया के, 3 रुपया के कलम, मुश्किल से 10 रुपया के कॉपी, 3 रुपया के पेन, 13 रुपया में आपका लिखा जाएगा। आप सोचिए 13 रुपया में आपका सपना लिखा सकता है। 13 रुपया लगा कर आप सपना को लिख दिए, हम आपको बता दे, आप 13 लाख का भी सपना पूरा कर सकते हैं केवल 13 रुपया में। लिखिए तो देखिए तो लिखने में कितना पावर है। आप नहीं लिखिएगा मत लिखिए, हम क्या करें, तो फिर हम आपको बताइए और बता सकते हैं। नहीं लिखिएगा तो उसमें मेरा गलती थोड़े है। सारे लोगों को अपना अपना सपना लिख करके आज दीवार पे चिपका करके, नहीं चार्ट पेपर है, आज पेजवे पे लिखिए, कॉपियों के पन्ना पे आज लिख करके चिपका दीजिए। बाद में आप आराम से चार्ट पेपर पर लिख करके चिपका भी रहिएगा। केकर केकर आज ड्रीम का फोटो आ जाएगा, सपना का फोटो आ जाएगा, ग्रुप में भेजना है आपको, मिराल कैंप क्लब ग्रुप में आपको भेजना है। किसका किसका आ जाएगा? शीला देवी, मिस्टर निरंजन, दीपक, हाँ, और एक आदमी का आ जाएगा, बाकी लोग 3 आदमी, और किसका आएगा? 6 आदमी, और किसका आएगा? 8 आदमी, 9 आदमी, 10 आदमी, 11 आदमी, 12 आदमी। वाह, मैंने हमको उसे गिनती पढ़वा रहे हैं, गिनती पढ़वा रहे हैं।